वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें पॉलिसी लीडर। बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 1800270908। मेल support@policyleader.co.in। एपिसोड 21, गूंगे को मिली वाणी। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, मैंने सुना है कि शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने से एक मूक व्यक्ति के कंठ से आवाज आने लगी थी। हाँ, ये सच है। एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति से उसके रोग की मुक्ति हो गई थी। अच्छा गुरुजी, फिर तो ये बहुत रोचक घटना होगी, तो सुनाइए ना गुरुजी। ये एक अड़प्पा नाम के व्यक्ति की कहानी है जो शास्त्र चर्चा में बहुत निपुण था, परंतु किसी कारणवश उसके कंठ से अचानक आवाज चली गई। तब उनके एक पूर्व परिचित ने उन्हें शांति सागर जी महाराज से मिलवाया और फिर एक चमत्कार हुआ। भैया, क्या अड़प्पा जी का घर मुझे बता सकते हैं? मुझे उनसे कुछ शास्त्र चर्चा करनी है। अरे भैया, जब से उनके गले की आवाज चली गई है तब से वो शास्त्र चर्चा करने में असमर्थ हो गए हैं। अरे, ये कैसे हुआ? पता नहीं। खैर चलिए, मैं आपको उनके घर का रास्ता बता दूं। आगे गली में मुड़कर आखिरी मकान है। धन्यवाद भैया, अब मैं अड़प्पा जी के घर पहुंच जाऊंगा। अड़प्पा जी का घर यही है क्या? जी, कहिए, आप कौन? जी, मैं कमल हूँ। मेरी मुलाकात अड़प्पा जी से कोन्नूर में हुई थी, जब वो गुरुवर शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने गए थे। जी, जय जिनेंद्र, आइए अंदर आइए। जय जिनेंद्र अड़प्पा जी। हाँ हाँ हाँ, आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। बाहर चाय वाले ने मुझे बताया आपकी आवाज, ये जानकर बहुत दुख हुआ। हाँ, पता नहीं क्या हुआ भैया, बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ भैया। हाँ, मैं लाती हूँ। अड़प्पा जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने आया था, सोचा आपको भी साथ ले चलूंगा। पर भैया, मैं भी यही कह रही हूँ, पर ये है कि सुनते ही नहीं। अब आप इस बार तो भैया जी के साथ चले ही जाओ। हाँ, गुरुदेव के दर्शन करके आपको भी अच्छा लगेगा। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद, आशीर्वाद। गुरुदेव, बहुत दिन से इनके गले की आवाज चली गई है, इसलिए शास्त्र चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही कोई समाधान करिए गुरुवर। बोलो। नमो अरिहंताणम। नमो। हाँ हाँ, कोशिश करो। अरिहंताणम। बहुत अच्छा। नमो सीताणम। नमो अरिहंताणम। कोशिश करो, जिनेंद्र प्रभु बिल्कुल ठीक कर देंगे। नमो वैद्यायणम। नमो लोए सब साहूणम। मैंने कहा था ना, प्रभु ठीक कर देंगे। बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तो इस प्रकार गुरुवर के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के गले में आवाज फिर से आ गई और फिर से अड़प्पा जी ने शास्त्र चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, मतलब वो इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते थे
कि उनके आशीर्वाद से भक्तों के रोग भी मुक्त हो जाते थे। हाँ, उनकी चर्या का प्रभाव तो ऐसा था कि उनके गुरु ने भी उन्हें अपना गुरु बना लिया था। लेकिन ये कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा। ठीक है गुरुजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा।